विभाग के पास लगभग कोई ये 15-20 दिन पहले ऐसी शिकायतें काफ़ी आई थी। इसके ऊपर हमारे एक कंज्यूमर्स को मोबाइल के थ्रू एक मैसेज आ रहा है कि हम आपका कनेक्शन काट देंगे, नहीं तो आप पैसे जमा करवाइए, और एक फ्रॉड नंबर भी जरिए किया रहा है। इसमें हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा सर्व जो पूरे कंज्यूमर थे उनको सूचित भी किया था कि इन जो ये फ्रॉड मैसेज हैं ये सारे फेक मैसेज हैं, कि ऐसे विभाग के द्वारा कोई भी मैसेज नहीं कन्वे करिए जा रही कंज्यूमर किसी को भी। और यदि विभाग ऐसा कोई कार्रवाई करता भी है तो बाकायदा उसको हम पूरे रूल फॉलो करते हैं, हम पहले नोटिस निकालते हैं कंज्यूमर्स को और बाकायदा वो बाय पोस्ट जाता है। मेरी एज ए HPSCVL की तरफ से मैं सभी कंज्यूमर को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये फेक मैसेज आजकल मैसेज आ रहे हैं मोबाइलों के ऊपर, थोड़ा सा उनसे सावधान रहें। ऐसा जो भी मैसेज करने से पहले वो विभाग के ऑफिस में आके जरूर उसके बारे में पता कराएं कि ऐसा कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज तो नहीं कन्वे हो, ताकि वो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन ना करें कि किसी भी, ना ही उनसे बात करें उस मोबाइल पे, क्योंकि ये कोई एक फिशिंग टाइप की एक है जो ये सेल चला रहे हैं। तो विभाग इसके ऊपर पूरा स्तरीय काम कर रहा है और कंज्यूमर को रेगुलर ये रिक्वेस्ट हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा रेगुलर की भी जा रही है, और अभी भी हम यही कहना चाह रहे हैं कि इन मैसेजों से रिक्वेस्ट बच के रहें और इससे कुछ भी करने से पहले विभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क किया जाए। विभाग के पास लगभग कोई ये 15-20 दिन पहले ऐसी शिकायतें काफ़ी आई थी। इसके ऊपर हमारे एक कंज्यूमर्स को मोबाइल के थ्रू एक मैसेज आ रहा है कि हम आपका कनेक्शन काट देंगे, नहीं तो आप पैसे जमा करवाइए, और एक फ्रॉड नंबर भी जरिए किया रहा है। इसमें हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा सर्व जो पूरे कंज्यूमर थे उनको सूचित भी किया था कि इन जो ये फ्रॉड मैसेज हैं ये सारे फेक मैसेज हैं, कि ऐसे विभाग के द्वारा कोई भी मैसेज नहीं कन्वे करिए जा रही कंज्यूमर किसी को भी। और यदि विभाग ऐसा कोई कार्रवाई करता भी है तो बाकायदा उसको हम पूरे रूल फॉलो करते हैं, हम पहले नोटिस निकालते हैं कंज्यूमर्स को और बाकायदा वो बाय पोस्ट जाता है। मेरी एज ए HPSCVL की तरफ से मैं सभी कंज्यूमर को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये फेक मैसेज आजकल मैसेज आ रहे हैं मोबाइलों के ऊपर, थोड़ा सा उनसे सावधान रहें। ऐसा जो भी मैसेज करने से पहले वो विभाग के ऑफिस में आके जरूर उसके बारे में पता कराएं कि ऐसा कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज तो नहीं कन्वे हो, ताकि वो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन ना करें कि किसी भी, ना ही उनसे बात करें उस मोबाइल पे, क्योंकि ये कोई एक फिशिंग टाइप की एक है जो ये सेल चला रहे हैं। तो विभाग इसके ऊपर पूरा स्तरीय काम कर रहा है और कंज्यूमर को रेगुलर ये रिक्वेस्ट हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा रेगुलर की भी जा रही है, और अभी भी हम यही कहना चाह रहे हैं कि इन मैसेजों से रिक्वेस्ट बच के रहें और इससे कुछ भी करने से पहले विभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क किया जाए।